दोस्तों नमस्कार, स्वागत है वंश कार्स के एक नए वीडियो में। सामने आप देख रहे हैं, ये है महिंद्रा की एक्सयूवी 3XO का AX7L लग्जरी ऑटोमेटिक, सबसे टॉप एंड वेरिएंट यही है। और ये अभी हम यहाँ पे हैं रलास मोटर रायपुर में, और ये गाड़ी यहाँ पे लॉन्च हो चुकी है और हम इसका करने वाले हैं यहाँ पे रिव्यू। देखेंगे एक्सटीरियर इंटीरियर में क्या कुछ फीचर्स ये गाड़ी आपको ऑफर करती है, साथ में इसकी प्राइस भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये है इसका फ्रंट प्रोफाइल। अब यहाँ पे आपको ये वाला सीट टाइप जो DRL देख रहे हैं ना, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इसमें आपको यहाँ पे ये फोग लैंप देख रहे हैं, ये मिल जा रहा है। जो इसके लोअर वेरिएंट की हम बात किए, जो आपको AX5 दिखाया था और हम बात किए थे MX3 Pro का, उसमें भी आपको नहीं मिल रहा था। अब इसमें सब कुछ मिल रहा है, मतलब ये ऐसी वेरियंट है AX7L, सब कुछ आपको ये ऑफर करती है। साथ में जो XUV7 डबल वो भी मिल जाता ना भाई, Level 2 एडास आपको इसमें मिलेगा, 360 कैमरा मिल रहा है और ये वाला पैनल आप देख सकते हैं क्रोसी ब्लैक, साथ में काफ़ी अच्छा क्रोम वगैरह मिल जाता है। तो सामने से काफ़ी बढ़िया यहाँ पे लुक्स इसकी निकल के आ जाती है। आइए साइड की तरफ चलते हैं। ये है इसका साइड प्रोफाइल, यहाँ से आप देख सकते हैं। जो इसका डायमेंशन है वो स्क्रीन में आपको दिखा दूंगा। और यहाँ पे देखते हैं ना, आपको TZDI ऑटोमेटिक का यहाँ पे बेजिंग मिलती है। इट मीन्स कि अगर इंजन ऑप्शन की बात करते हैं, 3 इंजन ऑप्शन के हमें आ जाती है। 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आती है और 1.5 लीटर डीजल इंजन आती है, जो कि पावर प्रोड्यूस करती है 300 न्यूटन मीटर का, और ये आपको देगी 250 न्यूटन मीटर टॉर्क ये निकाल के देती है। बाकी जो यहाँ पे साइड में देख सकते हैं, क्लैडिंग वगैरह प्रॉपर मिल जाते हैं। फेंडर में देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा ये दिया गया है आपको कट, थोड़ा सा स्पोर्टी लुक बनाया गया, बाकी सारी चीज़ें वैसे मिल जा रही। यहाँ पे देखते हैं तो ORBM ग्लॉसी ब्लैक दिया गया है, टच इंडिकेटर मिल जाते हैं, 360 कैमरा मिल जाता है, यहाँ पे भी एक कैमरा मिल जाता है। बाकी ये जो पिलर वगैरह है ये आपको ग्लॉसी ब्लैक में मिलते हैं, ABC जो सी पिलर, तीनों पिलर हैं वो ब्लैकआउट में मिलते हैं। यहाँ पे आपको ये भी ग्लॉसी ब्लैक में दिया गया है, इसके जो रूफ रेल्स हैं। बाकी यहाँ पे बॉडी कलर आपको रोल हैंडल्स मिल जाता है, इधर आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता है, उस साइड में मिल जाता है। और यहाँ पे आप ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे 201 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, 201 mm का आपको यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। टायर सेक्शन की तरफ चलते हैं, आपको गुडियर का यहाँ पे टायर मिल रहा है, काफ़ी अच्छा एलॉय यहाँ पे दिया गया है, डुअल टोन में ग्लॉसी ब्लैक और साथ में ये जो है क्रोम जो है यूज़ किया गया है। 5 वोल्ट के साथ में आती है और यहाँ पे आपको मिलता है 215/55R17 का आपको टायर प्रोफाइल मिल जाता है। तो ये है ओवरऑल, ये साइड से ऐसी कुछ दिखती है। और ये कलर आपने बताना गोल्डन टाइप का कलर है, आपको कैसा लग रहा है वो आप कमेंट करना। अब और आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और ये है इसका रियर प्रोफाइल। अब रियर से क्या कुछ मिला भाई, सब कनेक्टेड टेल लैम्प है, जो एक ट्रेंड है वो ये गाड़ी फॉलो करती हुई आपको दिखेगी। अब 3XO का यहाँ पे आपको बेजिंग वगैरह मिल जाती है, इधर आपको AX7L लिखा हुआ मिल जाता है, मीन्स कि ये लग्जरी वाली जो वेरियंट है वो आपको यहाँ पे दिखती है। यहाँ पे देखते हैं तो आपको नॉर्मल एंटीना मिल जाता है, सबसे टॉप एंड वेरिएंट है सिर्फ इसमें, आपको वो शॉक फिन एंटीना वगैरह नहीं है, ये वाला एंटीना मिल जाता है। और यहाँ पे आप जो है स्पॉइलर देख सकते हैं, ऐसे कुछ ग्लॉसी ब्लैक में दिया गया है। बाकी हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिलता है, डिफॉगर मिलते हैं, यहाँ पे आपको रियर वाइपर्स मिलते हैं। और ये पीछे आप देखते हैं, दो आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, 1-2 पार्किंग सेंसर मिलते हैं। और यहाँ पे ऐसा कुछ स्किड प्लेट सामने दिया गया है, जो कि फ्रंट में भी आपको स्किड प्लेट एक थोड़ा सा मिलता है। तो ये हो गया इसका रियर प्रोफाइल। अब हम इधर आए गए हैं तो हम आपको यहाँ से इसका बूट जो है एक्सेस करते हैं। ओके, ये देखिए, तो इन द सेगमेंट लगभग मान के चलते हो अच्छी खासी बूट स्पेस यहाँ आपको मिल जाती है। 365 लीटर का बूट स्पेस इसमें आपको देखने को मिलती है, प्रॉपर देख सकते हो। और ये जो वाइट या वेज बोल सकते हो, वाइट का जो कॉम्बिनेशन है ना, इसके अंदर में ऐसा फील नहीं आता कि हाँ ये सफोकेशन वाला फील नहीं आएगा बिल्कुल भी आपको, और देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। ये देखिए पूरा इंटीरियर, अभी हम अंदर की तरफ चले गए, वहाँ दिखाएंगे आपको क्या कुछ मिलता है। ये आपको 60-40 स्प्लिट जो है हो जाती है सीट, और अगर आप दो लोग हैं तो इसको स्प्लिट करके बढ़िया सा बूट स्पेस जो है इंजॉय कर सकते हैं, अपने लगेज को रख सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखते हैं तो आपको यहाँ पे C8 का स्पेयर व्हील्स मिलता है और यहाँ पे टूल्स वगैरह रखे हुए हैं, ये हो गया। बाकी यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे वगैरह नहीं मिलता, ऑप्शन दिया गया है, आप लगवा सकते हैं। ओके, इसको हम बंद करते हैं। तो ये हो गया जो है इसका रियर प्रोफाइल। अब हम देखते हैं इसके अंदर की तरफ चलते हैं, तो वहाँ पे दिखाते हैं आपको। अब भाई साहब यहाँ पे ना ड्राइवर साइड डोर की तरफ आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, दोनों तरफ नहीं मिलता। आइए इसके अंदर भी चलते हैं। और ये है इसका डोर ट्रिम, डोर ट्रिम में आपको ब्लैक और ये जो व्हाइट का कॉम्बिनेशन है वो मिल जाता है। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये सॉफ्ट टच है इधर, और प्रॉपर स्टिचिंग किया वो मिल जाता है। इधर आप देख सकते हैं ग्लॉसी ब्लैक में दिया गया है, यहाँ पे चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और जो ड्राइवर साइड पावर विंडो है वो 1 टच अप डाउन के साथ में आता है, ये देखिए। और यहाँ पे जो ORBM है वो जो है आपको ORBM के कंट्रोल मिल जाते हैं, और नीचे स्पेस अच्छा खासा मिल जा रहा है। और यहाँ पे आपको ना स्पीकर ग्रिल मिल जाता है, ये है इसका। आइए चलते हैं इसके अंदर की तरफ। और
ये देखिए एक्सप्लोर करते हैं इसके इंटीरियर को। अब 3XO का ये सबसे टॉप वेरिएंट का आपको ये चीज़ें जो है दिख जा रही हैं डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड में क्या कुछ मिल रहा है भाई, बड़ा पैनोरामिक सनरूफ इधर तो मिल ही रहा है और यहाँ से लाइट आ रही है अंदर। तो ये हो गया, इग्निशन को हम करते हैं ऑन। कहाँ गया, ओके यहाँ पे आपको मिल जाता है स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, इससे हम इग्निशन को ऑन करते हैं और ये है इसका इग्निशन, आप प्रॉपर देख सकते हैं। यहाँ पे आपको डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल जाता है जो कि अपने फुल स्पीड में अभी चल रही है, थोड़ा सा आवाज़ हो सकता आ रही हो इसलिए हम इसको कम कर देते हैं। ये हो गया, अब यहाँ से देख के आप बताइए कहाँ से आपको ये आउटडेटेड लग रही है भाई साहब। काफ़ी कुछ फीचर्स मिल जाते हैं और एक फ्यूचरिस्टिक बढ़िया सा प्रीमियम फील अब आपको आता है। 10.25 इंचेस की आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, 10.25 इंच की ये आपको इधर ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फुली डिजिटल आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं जिसके एक्सेस जो है यहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ से आप जो है मल्टी इंफॉर्मेशन, ड्राइव इन्फो और फ्यूल इन्फो, व्हीकल इन्फो, नेविगेशन, ड्राइवर असिस्ट, डिस्प्ले लेआउट वगैरह चेंज कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मिल जाती है। बाकी यहाँ पे आपको एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलता है इधर, यहाँ से वो आप यहाँ से देख सकते हो, और जो एडास के बटन्स मिलते हैं वो यहाँ पे मिल रहे हैं, तो एडास लेवल 2 इसमें मिलता है। और यहाँ पे देखते हैं तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है, प्रॉपर नेविगेशन वगैरह मिल जाते हैं, इसमें आपको सिम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती भाई साहब, डायरेक्टली आप जो है नेविगेशन को एक्सेस कर सकते हैं मैपल्स के थ्रू, वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है। और इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ मिल जाते हैं, FM वगैरह आप चला सकते हो, बाकी एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात है ये जो प्रीमियम कारों में आपको देखने को मिलती है ना वो चीज़ अब आपको इसमें मिलते हैं, हरमन कार्डन का आपको यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम मिलते हैं जो कि अगेन बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आपको ये बटन दिए गए हैं ना, फिजिकल की होना बहुत ज़रूरी है, साथ में यहाँ पे वॉल्यूम की बटन दिया गया है और ये बढ़िया एक जो ड्राइवर का रिच होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पे होम का बटन वगैरह दिया, बाकी यहाँ पे देख सकते हैं ये एसी वेंट्स ऐसे कुछ मिल जाते हैं, यहाँ पे आप इसका एसी वेंट्स देख सकते हो। बाकी ये थोड़ा सा ग्लॉसी पैनल दिया गया, ग्लॉसी डिज़ाइन मिल जाती है और यहाँ पे आपको हजार्ड्स का बटन वगैरह मिल जाता है। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ का बटन मिलता है, एयरबैग ऑफ का बटन मिलता है, ड्राइव मोड मिलते हैं, यहाँ से ड्राइव मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। इधर आपको यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे मोड्स इधर मिल जाते हैं जो एसी के कंट्रोल से वो यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी हम ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देख रहे हैं तो इसके जो नॉब है वो इधर मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाता है ये देख सकते हो वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी यहाँ पे ये वाला पैनल देख रहे हैं ये पूरा ग्लॉसी मिल रहा है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग मिरर्स मिल जाते हैं विद ऑटो होल्ड के साथ में। बाकी की बात करते हैं तो आपको ऐसे कुछ की मिल जाती है, ये महिंद्रा वाली की मिलती है, इसमें आपको लॉक अनलॉक का बटन मिलता है, बूट को यहाँ से ओपन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको ऐसे कुछ मिल जा रहा है और यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस मिलता है, आर्मरेस्ट मिल जाते हैं और यहाँ पे ग्लो बॉक्स देखते हैं, ऐसे कुछ ग्लो बॉक्स मिल जाता है। अब यहाँ पे एक अच्छी चीज़ मिलती है जो कि यहाँ पे आपको ये फ्रेमलेस ऑटो IRBM मिल जा रहा है, ये एक अच्छी बात है, बढ़िया चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाती है। इधर कुछ नहीं मिलता, इधर आपको वेंटी मिरर मिल जाता है, साथ में लाइट भी मिलती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं तो आपको बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है, ये देखिए। और महिंद्रा इसको बोलती है, जब शुरू में ये XUV700 में आया हुआ था तो उसको बोला जा रहा था कि ये स्काई रूफ के रूप में महिंद्रा इसको बोलती है, और ये है आप बोलते हैं इसको पैनोरामिक सनरूफ पूरा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हो गया, और यहाँ पे आपको व्हाइट लाइट मिल जाती है, इधर आप देख सकते हैं ये ऐसे कुछ आपको यहाँ पे लाइट मिल जा रही है। तो ये हो गया फ्रंट कैबिन। स्पेस की बात करते हैं, काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाता है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकली और यहाँ पे आपको ना ये इलेक्ट्रिकली आप एडजस्ट नहीं कर सकते लाइट को, इसमें आपको मैनुअल दिया गया है, कम से कम 20 को आप इलेक्ट्रिक दे दिया जाना चाहिए था तो वो बढ़िया हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडरूम वगैरह ऐसा कुछ मिल जाता है। बाकी सीट की बात करते हैं तो आपको ऐसा कुछ सीट मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील ये सीट आपको कराती है, प्रॉपर आप देख सकते हैं वाइट कलर में है और यहाँ पे सारे जो हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टेबल मिल जाते हैं। आइए चलते हैं इसके अंदर की तरफ, सेकंड रो की तरफ, और ये इसका डोर ट्रिम की बात करते हैं, इसको डोर ट्रिम मिल जाता है। ये वाले जो पार्ट देख रहे हैं ये पूरा आपको सॉफ्ट टच मिल रहा है, प्रॉपर स्टिचिंग किया हुआ है। इधर आपको जो है ग्लॉसी पैनल मिल जाता है, इधर आपको स्पीकर मिल जा रहा है, इधर आपको बोटा वोडर्स मिल जाए, और ये है इसका इंटीरियर की बात करते हैं, काफ़ी प्रीमियम इंटीरियर आपको मिल जाता है। यहाँ पे 3 पॉइंट पे आपको हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिल जाते हैं, इधर आपको कप होल्डर मिलते हैं, प्रॉपर आप यहाँ पे आर्मरेस्ट भी आपको मिल जाता है, ये एक बढ़िया पार्ट है। और अंदर बैठते हैं भाई साहब, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जा रही हैं। इधर आप देख सकते हैं इसको मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट किया होता, फिर भी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको रियर एसी वेंट्स भी इसमें मिल जाते हैं, साथ में मोबाइल रख सकते हो, चार्ज भी कर सकते हो, यहाँ पे जो है सीट टाइप का आपको चार्ज स्लॉट मिल जाता है ऐसे। बाकी यहाँ पे देखते हैं बड़ा सा आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जा रहा है, यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है, ये व्हाइट लाइट मिलती है साइड में क्योंकि सनरूफ इधर है। यहाँ पे आपको रियर फेंडर्स वगैरह मिल जाता है, साइड से देखते हैं चीज़ दिखता है, सामने देखते हैं तो ये इसका डैशबोर्ड काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। ये आपको कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताना। इसका इंटीरियर थोड़ा सा लाइट शो आ सकते हैं आपको, मल्टी कलर आपको देखने को मिल रहे हैं। बाकी यहाँ से आप हेडरूम वगैरह देख सकते हो।
तो भाई हमने यहाँ पे देखा इसके एक्सटीरियर में से इंटीरियर में क्या कुछ मिल जाते हैं, और साथ में अगर इंजन की बात करते हैं तो आपको TZDI जो इंजन मिल रहा है 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है, और जो कि इसकी मैक्सिमम पावर की बात करें 300 Nm की टॉर्क ये आपको निकाल के देती है। बाकी जो इंजन स्पेसिफिकेशन है वो आप स्क्रीन में देख लेना। और इसकी प्राइस की अब हम बात करते हैं, तो ये आपको 15,49,000 रुपये एक शोरूम मिलती है अभी हम रायपुर रलास मोटर में यहाँ पर। तो कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा गाड़ी और कैसी लगी इसके प्राइस पॉइंट में ये फीचर्स, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ में, तब तक लेट टेक केयर, बाय बाय।